हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ हम दिन प्रतिदिन में हमारे भाषा बोलचाल की भाषा में और लिखने के लिए बहुत विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिल करके बनते हैं। वर्ब क्रिया प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब से जुड़ करके जो शब्द बनते हैं उनको हम फ्रेजल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स केवल शब्द तो मेन वर्ब तो एक होता है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस या डिफरेंट एडवर्ब्स मिलकर के उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अब अगर हमने उसकी मीनिंग को बिना सोचे समझे हमने कोई भी शब्द कैसे भी लिख दिया तो हमारे उस भाषा के प्रभाव को वो ख़त्म कर देता है और उसका उल्टा असर दिखाई देता है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम कहें पास अवे माने होता है गुजर जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। अगर हम कहें कि आई पास्ड अवे दिस वे टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए इसी रास्ते से गुजरा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए पास्ड थ्रू हम कहेंगे, न कि पास्ड अवे कहेंगे। तो आज हम लोग इसी तरह से कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के साथ हम वर्ब का प्रयोग देखेंगे या वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग देखेंगे जिनके अर्थ जान करके हम उसका उचित प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारे लिखने का प्रभाव वो रिडबल हो जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। अब पहला है, देखिए, ब्रेक इनटू माने होता है सेंध लगाना। सेंध लगाना, ये चोर लोग दीवार को काट करके, चोर रात के समय दीवार को काट करके घर से सामान को जो चुरा ले जाते हैं उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक BROKE, ब्रोक इनटू द हाउस, पास्ट टेंस में हम लिख रहे हैं, इनटू द हाउस एंड टुक अवे, और उठा ले गया ऑल द वैल्यूएबल्स, जितने भी वैल्यूएबल्स से मूल्यवान वस्तुएं थी उन सबको उठा ले गया, तो ब्रेक इनटू हो गया। ब्रेक आउट माने होता है युद्ध का छिड़ना, युद्ध बीमारी, युद्ध का छिड़ना या बीमारी का फैलना। जैसे अब हम अगर हम युद्ध के लिए कहेंगे ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट, छिड़ गया, ब्रोक आउट इन 1971। ये तो हो गया युद्ध के छिड़ने के अर्थ में। अब हम बीमारी के फैलने के अर्थ में, जैसे द पैंडमिक या जो कोविड 19 पैंडमिक ब्रोक आउट ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विस्तृत भूभाग पर पैंडमिक फैल गया, युद्ध या बीमारी का फैलना। इसके बाद ब्रिंग अप माने होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। इसको कैसे कहेंगे? आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई मैटरनल आंट। मेरा पालन पोषण मेरी आंट, मैटरनल आंट के द्वारा अर्थात मामी के द्वारा हुआ।
इन द कंडीशन ऑफ माई मदर्स डेथ, मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी मामी ने मेरा पालन पोषण किया, आई वॉज ब्रॉट अप। अब ब्रेकअप का मतलब होता टूटना, ब्रेकअप का मतलब टूटना, तो द रिलेशंस ब्रोक अप, द डियर मैरिटल रिलेशंस ब्रोक अप ड्यू टू दियर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि उनके आंतरिक विवादों की वजह से उनके रिलेशंस ब्रोकअप हो गए, टूट गए। और ब्रेकअप का मतलब टूटा हुआ भाग, द ब्रेकअप द ब्रोकन अप पार्ट ऑफ द ग्लास वॉज एडेड विद सम एडहेसिव, किसी एडहेसिव के माध्यम से या जोड़ने वाली चीज़ के माध्यम से ब्रोकन अप पार्ट जो था, टूटा हुआ भाग, वो जोड़ दिया गया। इसके बाद हम लिखेंगे ब्रिंग आउट माने होता प्रकाशित करना। अब प्रकाशित करना कहाँ प्रकाशित किया जाता है, न्यूज़, प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित की जाती हैं, किताबों में प्रकाशित की जाती हैं, उस चीज़ को ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे द न्यूज़ ऑफ सैटेलाइट लॉन्च was brought out, प्रकाशित किया गया, या द ऑल द न्यूज पेपर्स ब्रॉट आउट द न्यूज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च विद मच एडो, बड़े ही शानो शौकत के साथ उस घटना को या इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। ब्रेक डाउन का मतलब होता है आदमी का स्वास्थ्य गिर जाना, मशीनरी का बीच में ही रुक जाना, टूट जाना, मशीनरी का टूटना, स्वास्थ्य गिर जाना। इसको कैसे कहेंगे, हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू लॉट ऑफ लेबर, काफ़ी परिश्रम की वजह से उसका स्वास्थ्य गिर गया है, हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, स्वास्थ्य गिर गया। या द स्कूटर ब्रोक डाउन ऑन द वे व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, द स्कूटर ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल, माई स्कूटर ब्रोक डाउन वाइल गोइंग टू स्कूल। अब हम ब्रेक डाउन तक का कर लिया है, इसके बाद एक्ट अपॉन का मतलब होता है के स्थान पर काम करना, किसी की अनुपस्थिति में, एक अधिकारी की अनुपस्थिति में दूसरे अधिकारी का उसी स्थान पर काम करने को हम कहते हैं एक्ट अपॉन। जैसे द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स अपॉन द प्रेसिडेंट व्हेन द लेटर, बाद वाला अर्थात द प्रेसिडेंट इज ऑन लीव,
अगर छुट्टी पे होते हैं या कहीं बाहर गए होते हैं प्रेसिडेंट, उनके स्थान पे काम करता है एक्स वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद होता है कॉल अप। कॉल अप माने होता है स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना। इसका मतलब कि वाइल प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ द इनवाइटीज ही कॉल्ड अप द नेम्स ऑफ हिज रिलेटिव्स। कॉल अप माने स्मरण करना। वाइल प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग माने बनाते हुए, वाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ इनवाइटीज, इनवाइटीज ही कॉल्ड अप द नेम्स ऑफ हिज रिलेटिव्स, ऑफ हिज रिलेटिव्स। उसने अपने संबंधियों के नाम को उसने कॉल अप किया। या व्हेन ही वाज इन ए क्राइसिस ही कॉल्ड अप सम नेम्स ऑफ हिज किथ एंड किन हु कुड हेल्प हिम इन हिज ट्रबल। अपने उसकी क्राइसिस में उसने अपने कुछ ऐसे रिलेशंस के को याद किया जो उसकी मदद कर सकते थे। इसके बाद होता है कॉल एट। कॉल एट का मतलब किसी से घर पर या ऑफिस में मिलने जाना, ऑफिस में मिलने जाना। जैसे द माई फ्रेंड, जैसे माई फ्रेंड कॉल्ड एट माई हाउस, कॉल्ड मी एट माई हाउस। माई फ्रेंड कॉल्ड मी एट माई हाउस, मेरे मित्र कॉल्ड मी एट माई हाउस, कॉल्ड मी एट माई हाउस। कहने का मतलब ये कि द ऑफिसर कॉल्ड एट द सबॉर्डिनेट्स एट कॉल्ड द सबॉर्डिनेट्स एट द ऑफिस। अब अधिकारी जो था ऑफिस में मिलने गया अपने सबॉर्डिनेट से। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, मुलाकात करना, मुलाकात करना, मुलाकात। अब यहाँ पर एट नहीं है, एट का मतलब किसी स्थान पर जाना होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से कर्टसी कॉल करना, कर्टसी शिष्टाचार मुलाकात जो होती। जैसे व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न फ्रॉम फॉरेन टूर द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन हिम, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन हिम, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। जब वो विदेश से लौटे तो प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात करने के लिए गए। प्रेजल वर्ब के क्रम में ही नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी से शुरू होने वाला ऑन लग जाता है, कैरी ऑन मींस होता है जारी रखना, जारी रखना। ही कैरीड ऑन, उसने अपना काम जारी रखना रखा। ही कैरीड ऑन हिज स्टडी, स्टडी विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक किए हुए, बिना बीच में छोड़े हुए उसने अपना स्टडी जारी रखा। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, निभाना, पालन करना या निभाना। इसको सेंटेंस बनाएंगे, ही शुड कैरी आउट, कैरी आउट आवर प्रॉमिसेस, अपने वादों को निभाना चाहिए। मेड टू अवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के प्रति किए गए अपने वादे को निभाना चाहिए। कैरी अवे का मतलब होता है लेकर, भाग जाना, उठाकर लेकर चले जाना, लेकर
चले जाना, लेकर चले जाना, द एग्जामिनर, द एग्जामिनर कैरीड अवे द अनफेयर मीन्स यूज्ड बाय द एग्जामिनीज, परीक्षार्थियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अनुचित साधनों को एग्जामिनर उठाकर लेकर चला गया। कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाहन करना, उद्बोधन करना, आवाहन करना। इसका मतलब द पीएम प्रधानमंत्री, द पीएम कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन द यूथ टू डेडिकेट themselves for the nation, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करने के लिए, कर देने के लिए प्रधानमंत्री ने युवकों का आवेदन आह्वान किया। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, कॉल इन, जैसे कॉल इन, आई कॉल्ड इन द डॉक्टर, कॉल इन द डॉक्टर व्हेन आई वाज इल, आई कॉल्ड इन, मैंने बुलाया, आई कॉल्ड इन द डॉक्टर ड्यूरिंग माई इलनेस, ड्यूरिंग माई इलनेस, अपनी बीमारी में मैंने डॉक्टर को घर पे बुलाया। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक मिल जाना। अगर हम कहें कि वाइल गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, बाजार जाते हुए अचानक मेरी मुलाकात एक अपने पुराने दोस्त से हो गई, तो इसको कैसे कहेंगे, आई केम अक्रॉस, मेरी मुलाकात हो गई, केम अक्रॉस विद एन ओल्ड फ्रेंड while going to market, market जाते हुए रास्ते में मेरी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो गई। get on with, इसको कैसे कहेंगे, get on with का मतलब होता है to progress, उन्नति करना, progress करना, विकास करना, उन्नति करना। India is getting on, getting on with its resources, अपनी उपलब्ध संसाधनों से इंडिया प्रगति करता जा रहा है। resources में संसाधन, get on with माने उन्नति करना, get into का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, अगर देखा जाए फंस जाना, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत या फंस जाना, फंसना। माय फ्रेंड गॉट इनटू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग हिज वर्क, काम करते हुए मेरा फ्रेंड एक मुसीबत में पड़ गया। ही सडनली गॉट इनटू ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट गेट ओवर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, आधिपत्य स्थापित कर लेना, गेट ओवर। वी शुड गेट ओवर, गेट ओवर आवर फियर, we should get over our fear to achieve our
एम, अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। गेट ओवर, गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, सफल होना। राम गॉट थ्रू द आईएएस एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन दिस ईयर। इसके बाद हम आते हैं गिव इन। गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना, समर्पण करना। वी शुड नॉट गिव इन, शुड नॉट गिव इन बिफोर आवर डिफिकल्टीज। हमें अपनी परिस्थितियों के सामने, हमने कठिन परिस्थितियों के सामने गिव इन नहीं कर देना चाहिए, समर्पण नहीं कर देना चाहिए। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है निकालना, उत्सर्जित करना, निकालना, उत्सर्जन करना। जैसे ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर। यहां गिव आउट, सॉरी, गिव आउट ओ एक्स वाई जी ई एन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, बांटना या बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, अगर कहा जाए द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट गेव अवे प्राइजेस, गेव अवे प्राइजेस टू द मेरिटोरियस, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, त्यागना। अच्छा, अर्थात हम कहें कि अपनी बुरी आदत को हमें छोड़ देना चाहिए, या कोई हैबिट है, बुरी आदत है, तो उसको हमें छोड़ना चाहिए। ही शुड गिव अप, उसे त्याग देना चाहिए the habit of smoking, habit of smoking, उसे अपने smoking की आदत को, धूम्रपान की आदत को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद keep on, keep on का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था continue रखना, continue। studious people always keep on, हमेशा जारी रखते हैं, keep on their work, अपने काम को बिना छोड़े हुए, बिना बीच में छोड़े हुए अपने काम को जारी रखते हैं, continue। जैसा कि हमने कैरी ऑन लिखा था, कैरी ऑन का मतलब ही कीप ऑन। कीप अप का मतलब होता है कीप माने रखना, अप माने ऊपर। कहने का मतलब यहां पर कीप का मतलब रखना, ऑन माने आगे आगे, इसका मतलब कि किसी चीज को अपने आगे आगे, वर्क को आगे रखना, आगे चलाते रखना। कीप अप का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। स्टूडेंट्स should keep up with their studies, अपने studies को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। should keep up, वो अपने study को हमेशा आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। knock at का मतलब होता है खटखटाना,
दरवाजे पर खटखटाना, उंगली से किसी चीज पर टैप की आवाज करना, नॉक एट, वन शुड नॉक एट द डोर बिफोर एंटरिंग द हाउस. घर में प्रवेश करने से पहले हमें नॉक एट करके जाना चाहिए, दरवाजे पर. नॉक माने खटखटाना और एट माने पर. नॉक डाउन, इसका मतलब क्लियर है. नॉक का मतलब खटखटाना या मारना, और डाउन का मतलब नीचे गिरा देना, अर्थात नॉक डाउन का मतलब होता है परास्त कर देना. इन द रेसलिंग अर्थात रेसलिंग का मतलब कुश्ती में. इन द रेसलिंग रामू पहलवान knocked down his rival, अपने विरोधी को उसने नॉक डाउन कर दिया. रामू पहलवान ने रेसलिंग में अपने विरोधी पहलवान को नॉक डाउन कर देना, गिरा देना, परास्त कर देना. नॉक डाउन मीन्स गिरा देना. लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना. वी शुड लुक आफ्टर द ट्रीज. हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए. वी शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स. वी शुड लुक आफ्टर आवर एनिमल्स प्रॉपरली, अपने कैटल को, एनिमल्स को प्रॉपरली हमें लुक आफ्टर करना चाहिए. लुक फार का मतलब होता है खोजना, किसी खोई हुई चीज को खोजना. लुक फार, खोई चीज को. जैसे शी लुक्ड फार हर पेन इन द रूम. शी लुक्ड फॉर हर पेन इन द रूम. उसने अपने कमरे में पेन को, खोई हुई पेन को उसने खोजा. लुक इन टू का मतलब होता है तहकीकात करना या जांच करना. जैसे अथॉरिटीज लुक इन टू द मैटर ऑफ कंप्लेंट. कंप्लेंट के मैटर को पहले वो जांच करते हैं. लुक इन टू द एसपी शुड लुक इन टू द मैटर ऑफ थेफ्ट. एसपी को इस चोरी के मामले की देखभाल या तहकीकात करनी चाहिए. लुक अप माने होता है देखना या कंसल्ट करना. जैसे लुक अप द डिक्शनरी फॉर इट्स मीनिंग. अगर हम कहें कि इस शब्द की मीनिंग को डिक्शनरी में संपर्क करो, तो हम कहेंगे लुक अप द डिक्शनरी फॉर दिस मीनिंग, फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इसके बाद है लुक आउट. लुक आउट माने होता है तलाश करना. किसी लुक आउट मतलब तलाशना, खोजना. जैसे कहा जाए
I have to leave this house. I am on the lookout of a new one. I am on the lookout of lookout. I am on the lookout of a new house. एक नए मकान की खोज में मैं हूँ. पुट से शुरू होने वाले पुट ऑन पुट ऑफ पुट बाय और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना पहनना. जैसे कहा जाए पुट ऑन योर वार्म क्लोथ्स एज इट इज कोल्ड टूडे. अपने गर्म कपड़े पहन लो जैसा कि आज ठंड है. उसी तरह से पुट ऑफ माने होता है उतार देना उतारना और स्थगित करना भी. दो चीजें हैं इसमें पुट ऑफ. जैसे पुट ऑन का अपोजिट पुट ऑफ तो होता ही है कपड़े पहन लेना और उतार देना जैसे स्थगित करना. एक दूसरी मीनिंग भी है इसकी. इसको हम पहले पुट ऑफ वाला करेंगे. वी पुट ऑफ आवर शूज पुट ऑफ आवर शूज बिफोर एंटरिंग द टेंपल एंटरिंग द टेंपल. मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने जूतों को पुट ऑफ कर लेते हैं उतार देते हैं. दूसरी हम स्थगित करना के अर्थ में एक सेंटेंस बनाएंगे. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ फॉर नेक्स्ट संडे. अगले संडे के लिए मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया है स्थगित कर दिया गया. पुट बाई माने होता भविष्य के लिए बचा कर रखना भविष्य के लिए बचा कर रखना बचाना अर्थात सेव करना. इसका मतलब कि अपने खर्चे में से बचाते हुए और कुछ पैसे इकट्ठा करना. इट शुड बी The habit of putting by, बचाने की क्योंकि ing आ गया तो बचाने की आदत putting by some money from daily expenses. इट शुड बी द हैबिट ऑफ आदत होनी चाहिए बचाने की कुछ पैसा बचाने की फ्रॉम डेली एक्सपेंसेस. अपने नित्य दिन प्रतिदिन के एक्सपेंसेस माने खर्चों से हमें कुछ पैसा जरूर बचा के रखना चाहिए. पुटिंग बाई बचाने की आदत होनी चाहिए. या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन शुड पुट बाई सम मनी फ्रॉम दियर पॉकेट मनी फ्रॉम दियर पॉकेट मनी पुट बाई. और मेक अप विद मेकअप मींस होता है मेकअप. मेकअप मींस होता है पूरा करना. इसी मेकअप का मतलब होता है श्रृंगार करना. जैसे द ट्रेन इज लेट
बट इट कैन मेकअप ये पूरा कर सकती है. द ट्रेन इज लेट बट इट कैन मेकअप विद फास्ट स्पीड. अपनी फास्ट स्पीड से ये उसको दूरी को पूरा कर सकती है. मेकअप द डिस्टेंस विद फास्ट स्पेस विद फास्ट स्पीड. मेक आउट का मतलब होता है स्पष्ट करना. स्पष्ट क्लियर करना. प्लीज मेक आउट योर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इस सेंटेंस की मीनिंग को कृपया अपने मीनिंग को कृपया आप मेक आउट करिए. इसको स्पष्ट करिए. मेकअप विद का मतलब होता है निश्चय कर लेना. दृढ़ निश्चय करना. माय फ्रेंड मेड अप विद हिज स्टडीज टू पास इन मेरिट लिस्ट टू स्टैंड इन मेरिट लिस्ट. मेरे मित्र ने मेडअप विद हिज स्टडीज अपने स्टडीज के साथ मेडअप कर लिया है. मेडअप विद हिज माइंड भी कहते हैं. विद हिज माइंड टू स्टैंड इन मेरिट लिस्ट. और पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मृत्यु होना. माय नेबर पास्ड अवे द लास्ट नाइट. पिछली रात मेरा नेबर पास्ड अवे हो गया, गुजर गया. पास ऑन माने हैं तो आगे बढ़ाना. जैसे हम कोई चीज़ टेबल पे बैठे हैं और एक साथ लोग बैठ करके मान लीजिए खाना खा रहे हैं और हम कहें कि प्लीज़ पास ऑन द सॉल्ट टू मी. अथवा पास ऑन का मतलब जिम्मेदारी डालना. फादर पास्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज सन. पिताजी ने अपनी जिम्मेदारियों को लड़के के ऊपर सौंप दिया, डाल दिया. पास ओवर का मतलब होता है गुजर जाना, अर्थात गुजरना, लेकिन मरने के अर्थ में नहीं. गुजरना का मतलब यह होता है चले जाना. पास ओवर चले जाना. जैसे द प्रॉब्लम्स आर नॉट एवर लास्टिंग, दे पास ओवर. दे पास
ओवर शॉर्टली, वह जल्दी से गुजर जाती हैं, परिस्थितियां निकल जाती हैं। इसके बाद टेक से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स, टेक टेक आफ्टर, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक टू, टेक टू और टेक अप, टेक अप, सेट से स्टार्ट होने वाले सेट आउट, सेट ऑन, सेट इन, सेट इन, टर्न अप, टर्न अप, टर्न डाउन, सेट आउट, सेट अप, सेट इन, टेक आफ्टर मींस होता है शक्ल में एक समान होना, शक्ल में एक समान होना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द है रिजेंबल, समान होना, रिजेंबल करना, रिजेंबल होना। इसका मतलब राम या रवि टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर हिज फादर, हिज फादर, राम की शक्ल उसके पिताजी से मिलती है। राम, रवि टेक्स आफ्टर हिज फादर, रवि की शक्ल अपने पिताजी से मिलती जुलती है। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टेक ऑफ, उड़ान भरना, टेक ऑफ, इसका मतलब उतारना भी होता है, जैसे पुट ऑन, पुट ऑफ, वैसे ही उड़ान भरना। द एरोप्लेन टुक ऑफ, टुक ऑफ, उड़ान भरी एट 8 o'clock, 8 बजे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी कहें। इसी का मतलब उतारना भी होता है, टेक ऑफ योर क्लोथ्स बिफोर एंटरिंग द पूल, एंटरिंग इन टू द पूल, एंटरिंग इन टू द पूल। टेक टू, टेक टू का मतलब होता है एडिक्टेड होना, आदि हो जाना है, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, आदि होना, अभ्यस्त हो जाना, गलत संगति का, गलत आदत का आदि होना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एडिक्टेड, इज एडिक्टेड टू पान चेंग, पान खाने की आदत या लत पड़ गई है, एडिक्टेड टू, अर्थात टेकन, सॉरी एडिक्टेड टू यहां हमने कर दिया, इसको हम कहेंगे टेकन टू। फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज टेकन टू, हैज, हैज टेकन टू। टेक अप का मतलब होता है ग्रहण करना,
ग्रहण करना, जिम्मेदारियों को ग्रहण करना अर्थात या अक्यूपाई करना, अक्यूपाई है जिम्मेदारी ग्रहण करना, टेक अप। वी शुड टेक अप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली, वी शुड टेक अप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Properly, हमें अपनी जिम्मेदारियों को उचित रूप से टेक अप कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, या हम कहें टेक अप योर अलॉटेड चेयर इन द हॉल। अपने अपने चेयर को ग्रहण कर लीजिए। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान कर देना। द ट्रेवलर्स सेट आउट ऑन दियर, सेट आउट ऑन दियर जर्नी इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग। उसी तरह से सेट ऑन का मतलब होता है जुड़ना, सेट ऑन या आरंभ होना। द एग्जाम सेट्स ऑन संडे, एग्जाम संडे को स्टार्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेट ऑन संडे या द एग्जाम सेट्स ऑन संडे। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। जैसे नाउ द विंटर सेट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर। विंटर has set in, winter शुरू हो गया है, set in now। अगर हम कहें इस समय सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो हम कहें winter has set in now। turn up माने होता है उपस्थित होना, किसी call पर उपस्थित होना। only 20 people turned up the function। केवल 20 लोग फंक्शन पर आए। Only 20 people turned up the function due to COVID-19। उपस्थित। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना, मना करना। रिफ्यूज, द प्रिंसिपल टर्न डाउन, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट of tomorrow's leave, कल की छुट्टी का प्रिंसिपल ने मना कर दिया, turned down। एक है look forward to, look में एक शब्द और आया था look forward टू का बेसब्री से इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, जैसे आपका कोई फ्रेंड इंतजार करना, आपके किसी फ्रेंड का आप इंतजार कर रहे हैं, उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं, आप अपने रिजल्ट का उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे, स्टूडेंट्स
आर लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर रिजल्ट, अपने रिजल्ट का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक और लिख लेंगे, जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग ऑफ माई फ्रेंड, कमिंग ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग आ जाएगा, आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पुट से स्टार्ट होने वाले कुछ कंजंक्शन, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगे टुक से, पुट से, पुट पुट अप विद, पुट अप विद, बर्दाश्त करना, सहन करना, बर्दाश्त करना, जैसे हम कहें इंडिया कैन नॉट, इंडिया कैन नॉट पुट अप विद द मिसक्रियंस, मिसक्रियंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब मिसक्रियंसी का मतलब बदमाशी, शैतानी, इंडिया पाकिस्तान की बदमाशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पुट आउट भी होता है, पुट आउट मीन्स, पुट आउट का मतलब आग बुझाना, आग बुझाना, द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर Very soon, बड़ी जल्दी ही आग को बुझा दिया, या विद इन हाफ एन आवर, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। जैसे एक हम कहें पुट आउट द लैंप वाइल आफ्टर द स्टडी, आफ्टर द स्टडी, स्टडी करने के बाद लैंप को बुझा देना। तो ये दीज वर द इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स व्हिच आर वेरी यूजफुल एंड दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे प्रयोग निश्चित रूप से आते हैं। तो इनके प्रयोग को समझने के लिए पूरी तरह से इनके, इनसे बनने वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करें, and then it will be more clear. Thank you very much for watching the video.